नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 13 सितंबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम हमारी पहली खबर से देखेंगे JS2 राज्य व्यवस्था से संबंधित। ज्ञानवापी परिसर में लेकर जिला अदालत ने क्या दी सुनवाई के दौरान क्या निर्णय दिया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे NIA से संबंधित तथ्यों को देखेंगे कि NIA का कार्य क्या होता है और कब इसको स्थापना की गई और किस अधिनियम के तहत NIA एजेंसी को गठित किया गया है। फिर हम डेयरी सेक्टर को लेकर क्या कहा मोदी जी ने और डेयरी सेक्टर की जो महत्वता है वो क्यों है उसको भी हम देखेंगे। फिर हम नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित कुछ पहलुओं को देखेंगे कि यह कानून कब लाया गया और इसको लेकर क्यों विवाद हुए। फिर हम देखेंगे तीनों सेनाओं के एकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे कदम राजनाथ सिंह। तो ये कहने के GS3 सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित है, हम इसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण में किस तरह से भूमिका निभा रही है डेयरी सेक्टर और क्या कहा इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने। आरक्षण की समग्र समीक्षा का समय, तो कहने की GST राज्य व्यवस्था संबंधी से आप इसे जरूर पढ़िएगा। फिर हम बिजनेस पेंस पर देखेंगे कि महंगाई को लेकर क्या है सरकार की नीति और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को देखेंगे कि कैसा रहा भारत का प्रदर्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे अधिक सुविधा शुल्क कैशलेस इंडिया की राह में बड़ी बाधा, तो कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित और इकोनॉमिक से संबंधित तो है ही है, तो इसको भी हम देखेंगे कि क्या है डिजिटल ट्रांजेक्शन में बाधा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, इसको भी हम देखेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ग्लोबल ग्रुपिंग वो अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट से संबंधित है और जिन एग्रीमेंट में भारत इन्वॉल्व है। फिर हम देखेंगे GS1 से संबंधित पोस्ट इंडिपेंडेंस कि भारत का एकीकरण और रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया स्वतंत्रता के बाद, जिसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को भी देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने हैदराबाद का एकीकरण किया, हैदराबाद को भारत में विलय किया। फिर हम NIA के बारे में जानेंगे यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में जानेंगे। फिर हम FATF के बारे में जानेंगे यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो किन वस्तुओं का वेटेज किस प्रकार उसको देखेंगे। फिर हम IIP को देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी इनका कितना प्रतिशत योगदान है IIP में। उसके बाद हम सऊदी अरब के बारे में कुछ तथ्यों को देखेंगे, सऊदी अरब की वर्ल्ड में इसके लोकेशन कहाँ है उसको, सऊदी अरब के बारे में कुछ उसके मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम जो वर्ब कानून है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस प्रकार हमारे चर्चा का विषय रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा का मुकदमा सुनवाई योग। तो मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज, अगली सुनवाई 22 को। तो कोर्ट ने कहा इस बात में पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 लागू नहीं होता, मुकदमा न तो उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है और न वक्फ कानून का। अब वाराणसी की जिला अदालत ने माना कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा का मुकदमा सुनवाई योग्य है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सोमवार को यह आदेश देते हुए कहा कि प्रतिवादी यानी मस्जिद पक्ष के जो दाखिल में जो मुकदमा दाखिल किया गया है वो प्रार्थना जो दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया है। मुकदमे की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी और उस दिन ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई होगी, जिसमें मंदिर पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था और मस्जिद पक्ष ने उसे फवारा बताया था। तो ये केस क्या था कि 2021 में को राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की ओर से सिविल अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजा की अनुमति प्रदान की जाए और साथ ही वहां मौजूद अन्य देवी देवताओं के विग्रह को संरक्षित किया जाए। तो उसी को देखते हुए जिला अदालत ने ये बात कही। तो फैसले की महत्वपूर्ण बातें क्या रही, तो 5 वादी महिलाओं ने प्रार्थना पत्र में विवादित स्थल में मालिकाना हक की मांग नहीं की है,
सिर्फ मां शंगार गौरी की नियमित पूजा और देवी देवताओं के विग्रह के संरक्षण की मांग की है। यह मुकदमा नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के साथ साथ रीति रिवाज व धार्मिक अधिकार के रूप में पूजा के अधिकार तक सीमित है। वह विवादित स्थल को मंदिर घोषित करने की मांग नहीं कर रहा है। इस मुकदमे की सुनवाई करने के अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं किया जा सकता। वादी गैर मुस्लिम है, इसलिए वप एक्ट की धारा 85 के तहत मुकदमे की सुनवाई पर प्रतिबंध इस मामले में लागू नहीं होता है। वादी की दलीलों को के मुताबिक वे लंबे समय से 1993 तक ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शंकर गौरी, भगवान हनुमान और भगवान गणेश की पूजा कर रही हैं। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि यह मुकदमा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 से बाधित है, मगर मेरे विचार में प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि मुकदमा इस अधिनियम से बाधित कैसे है। अब देख लेते हैं जो मंदिर पक्ष के जो प्रमुख तर्क क्या है। तो भूखंड के आराजी संख्या 9130 विवादित परिसर में दर्शन पूजा होता रहा है। 1993 में बैरिकेडिंग होने तक भगवान की पूजा होती रही है। दूसरा है काशी विश्वनाथ एक्ट 1993 में पूरे परिसर को बाबा विश्वनाथ में के स्वामित्व का हिस्सा माना गया और एक्ट के खिलाफ जो फैसले हुए वे शून्य है। तीसरा है कि ज्ञानवापी वक्त संपत्ति नहीं है, क्योंकि वक्त संपत्ति का मालिक एक होना चाहिए। इस मामले में संपत्ति हस्तांतरण का कोई आधार नहीं है। फिर मस्जिद पक्ष ने क्या तर्क दिए। तो प्रार्थना पत्र में दर्शन पूजा के अधिकार की मांग पूरे हिंदू समाज के लिए की गई है, इसलिए सुनवाई स्थानीय अदालत में नहीं हो सकती, ऐसा कहना है। दूसरा है ज्ञानवापी मस्जिद वप की संपत्ति है, वप एक्ट के तहत मुकदमे की सुनवाई सिविल अदालत में नहीं हो सकती। दूसरा दिन मोहम्मद वर्सेस सरकार 1936 के मुकदमे में अदालत ने ज्ञानवापी को मस्जिद माना है और नमाज का अधिकार दिया है। और चौथा, वर्षों से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है, इसलिए पूजा अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 लागू होता है। और औरंगजेब की दी जमीन पर मस्जिद बनी थी, उस वक्त औरंगजेब के शासन था, इसलिए संपत्ति भी उसकी थी। तो ऐसे जो मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष ने अपने तर्क दिए हैं, और हमको एग्जाम प्रस्पेक्टिव से देखना है कि जो जिला अदालत ने क्या फैसले दिए हैं, और अगली सुनवाई 22 को होगी, उसमें देखना है कि आगे क्या निर्णय आता है। उसके बाद जो मस्जिद पक्ष है वो हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने का विचार कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो वप कानून है वो क्या है। तो वप शब्द का सटीक अर्थ है निरोध। मरियम वेबस्टर वप क्यों संपत्ति की इस्लामी बंदोबस्त के रूप में परिभाषित करता है, जिसे ट्रस्ट में रखा जाना है और धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है। वप अधिनियम 1995 की धारा 3R मुस्लिम कानून के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में वप को पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में परिभाषित करता है। वप के अर्थ को और विस्तृत करने के लिए कहा जा सकता है कि जो संपत्ति धार्मिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है वह गैर हस्तांतरणी हो जाती है, और यह माना जाता है कि वप का गठन करने के बाद संपत्ति सर्वशक्तिमान के स्वामित्व में और मानव गतिविधियों से परे पहुंचती है। इस तरह से हमको वप कानून है उसका इंट्रोडक्शन देखना था। तो हमें यहाँ इसी बात पर फोकस करना था कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है और किसने क्या पक्ष और क्या विपक्ष ने तर्क दिए और अदालत ने इस पर क्या फैसला दिया। अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो अदालत है उस पर इसको लेकर क्या निर्णय सुनाती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अपराधी गिरोहों, आतंकियों और तस्करों के बढ़ते गठजोड़ के खिलाफ सक्रिय हुई NIA, यानी ये किससे संबंधित है। तो GS3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित है। तो पंजाब में अपराधी गिरोहों, आतंकियों, ड्रग, हथियार व मानव तस्करों के बढ़ते गठजोड़ को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA सक्रिय हो गई है। NIA ने देश के साथ साथ विदेश में रह रहे अपराधी सरगनाओं को भी आरोपित बनाया है। तो अब हम NIA के बारे में देख लेते हैं। तो ये NIA की साइट है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत सरकार। तो इसके महानिदेशक कौन है? तो श्री दिनकर गुप्ता IPS इसके महानिदेशक है। अब हम हमारे बारे में तो यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो पिछले कई वर्षों में भारतीय सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवाद का शिकार रहा है। न केवल उग्रवाद और विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, बल्कि भीतरी इलाकों और प्रमुख शहरों के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले और बम विस्फोटों आदि के रूप में आतंकवादी हमलों की असंख्य घटनाएं हुई हैं। बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं के जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाए जाते हैं और अन्य गतिविधियों जैसे हथियारों, ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा को प्रचलन में लाना, सीमा के पार से घुसपैठ और अन्य गतिविधियों के साथ संभावित संबंध आदि पाए जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि आतंकवाद और कुछ अन्य कृत्यों जिनके राष्ट्रीय प्रभाव हैं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी की स्थापना आवश्यक है और प्रशासनिक सुधार आयोग सहित कई विशेषज्ञों और समितियों ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी एजेंसी की स्थापना के लिए भी सिफारिश की थी। तो इसी के अनुसार NIA अधिनियम 2008 को अधिनियमित किया गया और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA का जन्म हुआ। वर्तमान में NIA भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तो मेन है कि हमें प्रीलिम्स के प्रस्पेक्टिव से और मेंस के प्रस्पेक्टिव से देखना था कि NIA क्या होती है, इसके महानिदेशक कौन है, कब इसे अधिनियमित किया गया और किस कानून के तहत अधिनियमित किया गया और इसके कार्य क्या होते हैं। अब बढ़ते हम आगे। डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान, प्रधानमंत्री। तो अब ये हमारे किस विषय से संबंधित होगा? तो GST, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित विषय से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में डेयरी क्षेत्र की 4 प्रमुख ताकतों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो डेयरी क्षेत्र की असली ताकत छोटे किसान है, लेकिन इसमें किसानों की शक्ति के साथ सहकारिता की शक्ति, देसी नस्ल के पशुओं की शक्ति मिलकर उसे अलग ताकत देती है। और चौथी ताकत महिलाओं की सहभागिता से है, जिसे उतनी पहचान नहीं मिल पाती जितनी कि वह हकदार है। भारत के डेयरी सेक्टर में महिलाओं ने की भागीदारी 70% है और डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिला है। उनकी हिस्सेदारी देश के कोऑपरेटिव में एक तिहाई से भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने कहा कि भारत ने डेयरी सेक्टर का सालाना उत्पादन 8.5 करोड़ रुपए मूल्य का है और इस क्षेत्र की यह वैल्यू धान और गेहूं के कुल उत्पादन से अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत में पशुधन और डेयरी का व्यवसाय 1000 वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय डेयरी सेक्टर की विशेषता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत मजबूत है। भारत में इसका विशाल नेटवर्क है। डेयरी को कोऑपरेटिव देश के 2 लाख से ज्यादा गांव के तकरीबन 2 करोड़ किसान दिन में 2 बार दूध जमा करते हैं और डिजिटल क्रांति से लेन देन बहुत तेजी से होने लगा है और देशी प्रजाति की गाय और भैंसों की ब्रीड कठिन मौसम में फलती फूलती है। कच्छ की रेगिस्तानी बन्नी भैंस इसका उदाहरण है। उन्होंने इस प्रकार भी जिक्र किया कि मुर्रा, जफराबादी, नीली रवि, पंडरपुरी जैसी प्रजातियां भी यहीं की विशेषता है। गिर गाय, साहिवाल, राठी, कांकरेज, थारपर, थर पार्कर, तो कहीं ना कहीं ये गायों की नस्लों का भी जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि भारत दुग्ध उत्पादन में अव्वल है और इस समय लगभग 21 करोड़ टन सालाना दूध का उत्पादन होता है और पशुधन व डेयरी क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले 5 सालों में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं और पशुओं की टैगिंग और बायोमेट्रिक पहचान की जा रही है और पशु आधार नंबर भी दिए जा रहे हैं ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके। तब हमें इस खबर को हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से देखना है कि जो डेयरी सेक्टर है उसकी महत्वता क्या है और किस तरह से वो ग्रामीण सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब बढ़ते हम आगे। अब देखते हैं अगली खबर। नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता
को चुनौती देने वाली याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। तो हम देख लेते कि नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई। तो नागरिकता कानून में 2019 में संशोधन कर तीन देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे और विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर कानून को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताते हुए चुनौती दी गई थी। तो अब हमें देखना है कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से ये नागरिकता संशोधन कानून क्या था, क्यों इसका विरोध किया गया है और कब लाया गया था और किन देशों के लिए लाया गया था। तो इस तरह से हमको इसको देखना है ताकि हमारे प्रीलिम्स से और मेंस दोनों परस्पेक्टिव से इसको देखना है। अब प्रीलिम्स में से क्या प्रश्न बन सकते हैं कि कौन से जो समुदाय है उनको कहीं ना कहीं इसमें नागरिकता देने की बात की गई थी और किन देशों को इसमें शामिल किया गया था। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अब बढ़ते हम आगे, तीनों सेनाओं के एकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे कदम, राजनाथ सिंह। तो GS3 सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित है। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि साझे सामान के लिए साझा मंजूरी व्यवस्था होगी। तो एक सेना का संसाधन अन्य को उपलब्ध कराया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं का एकीकरण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साझे सामान के लिए साझा मंजूरी व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक सेना के संसाधनों को अन्य सेनाओं के लिए निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जा सके। सेनाओं की एकीकरण से सबसे अधिक फायदा साजो सामान को लेकर होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और नीति आयोग के सदस्य भी कहीं ना कहीं जो साजो सामान पर जो सेमिनार हुआ उसमें मौजूद थे। और यहाँ रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और देश को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मजबूत और सुरक्षित, तेज और आत्मनिर्भर सैन्य आपूर्ति प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर अपना दृष्टिकोण भी साझा किया और कहा कि सभी सेनाओं ने अपना ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ढांचा विकसित किया है और हमारा प्रयास है कि तीनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन हो ताकि हम अपने संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सके और प्रौद्योगिकी बैकअप, अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सामग्री सहायता, उद्योग और जनशक्ति के बीच भी सहयोग आवश्यक होगा। तो अब हमें एग्जाम प्रोस्पेक्टिव किस प्रकार देखना है। तो पहली बात तो जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं हम उनका जो सुरक्षा से संबंधित है या किसी भी जगह कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और औद्योगिक और बैकअप और कहीं ना कहीं जो सहायता है, जनशक्ति है, तो इन शब्दों को हम कहीं ना कहीं उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से प्रीलिम से प्रश्न बन सकते हैं कि वायुसेना प्रमुख कौन है, सेना प्रमुख कौन है और नौसेना प्रमुख कौन है और एकीकरण से क्या फायदा होगा और एकीकरण क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इस तरह से इस खबर को हमको देखना है। महिला सशक्तिकरण में सहकारी संस्था की अहम भूमिका शाह। तो अब हमें इस टॉपिक को देखना है महिला सशक्तिकरण से जोड़कर और कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित मुद्दे और डेयरी सेक्टर में महिलाओं की जो भूमिका है उसको। तो गृह मंत्री ने वर्ल्ड डेयरी समिट में सहकारी संस्था की प्राथमिकता को रखे विचार। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण में सहकारी संस्थाओं की अहम भूमिका है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। सिर्फ आर्थिक तरक्की ही नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों को सेहतमंद बनाने में भी सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, जैविक उत्पादों की जांच और मानक तय करने के लिए ढांचा विकसित किया जा रहा है। गुजरात के कई जिलों में सहकारी संस्थाएं ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ बनी है। आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हुई है और 1974 में दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत कहां खड़ा था और आज 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर निर्यात करने लगे हैं। और अमित शाह ने कहा कि हम जैविक डेयरी उत्पादों के प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन, विपणन यानी मार्केटिंग और निर्यात के लिए 3 बहुराज्य सहकारी समितियां
बना रहे हैं। डेयरी क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं महिलाओं को सशक्त बनाती है और विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण विकास में मदद करती हैं। कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से गांव-गांव में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाएं सशक्त बन रही हैं। तो अब हमें मेन प्रश्न आता है कि अब इस खबर को हमें एग्जाम परस्पेक्टिव से कैसे देखना है। तो पहला तो हो ही गया कि डेयरी सेक्टर की जो महत्वता है वो क्या है, और ये डेयरी सेक्टर है ये ग्रामीण विकास में किस प्रकार मदद कर रहा है, जो डेयरी सेक्टर है वो महिला सशक्तिकरण में किस प्रकार भूमिका निभा रहा है, और इसमें किस तरह से और सुधार किए जा सकते हैं, और सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगस्त में 7% पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो GST इकोनॉमी है तो उसमें महंगाई का जो विषय है अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे निरंतर कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनता है। तो हमें जो महंगाई के जो विषय जैसे संबंधित है इस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अनाज और सब्जी के मूल्य में वृद्धि के कारण जुलाई के मुकाबले बढ़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो अभी हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कि किस वस्तुओं का वेटेज ज्यादा है। अनाज और सब्जी के खुदरा दाम में तेजी के कारण अगस्त महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा महंगाई दर 7% रही है। तो 6.71% थी जुलाई में खुदरा महंगाई दर, यानी अभी इसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो बढ़ोतरी की वजह देखेंगे, 9.57% बढ़ा अनाज का खुदरा मूल्य। अभी यहाँ पर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो वस्तुएं हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल की गई है, जिसमें दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल व वनस्पति, कपड़ा व फुटवियर, ईंधन, बिजली, मसाला, अनाज, सब्जी, दाल। तो हमें जो टर्मोलॉजी है ये मेन है, ये याद रखनी है, क्योंकि ये आंकड़े तो हर महीने बढ़ते घटते रहते हैं। मेन है कि हमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, किसका वेटेज ज्यादा होता है, उसको देखना है। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा इसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो महंगाई का कारण है वो अनियमित मानसून और मौसम की वजह से सब्जी फल के दाम बढ़ने के बावजूद अगस्त में महंगाई दर अप्रैल के उच्च स्तर से कम रही। तो ये एक तरह से कहने की बातों को घुमाने की बात होती है, सीधी बात नहीं कहते हैं। अब इन्होंने अप्रैल का जिक्र क्यों किया, अब इसका कोई तर्क नहीं दिखता। इस मौसम में सब्जी फल की सप्लाई प्रभावित हुई है, महंगाई रोकने के लिए चावल आटू आइटम के निर्यात पर रोक लगी। तो अब हमें जो एग्जाम प्रस्पेक्टिव कैसे, पहले एक बार हम इसको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को भी देख लेते हैं कि औद्योगिक उत्पादन का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, और पिछले साल जुलाई के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में सिर्फ 2.4% की बढ़ोतरी रही। जून में औद्योगिक उत्पादन 12.3% का इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स में कम बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं। तो अब ये तो हमने जो अखबार में लिखा वैसी सी बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से कि पहले तो महंगाई होती क्या है, और दूसरा है कि महंगाई को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और दूसरा है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या जो उपाय सुझाती है, और क्या इसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं, और RBI ने जो आइडियल रेंज है इन्फ्लेशन की वो क्या रखी हुई है, और जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो अब हम जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इन दोनों को देख लेते हैं। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसमें वेटेज देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा वेट इधर नजर आ रहा होगा 45% से ऊपर वो है फूड एंड बेवरेजेस का, फिर 28% से ऊपर किसका, सर्विसेज का, फिर फ्यूल एंड लाइट का 6% से ऊपर, फिर 10% किसका, हाउसिंग का, और फिर क्लोथिंग एंड फुटवेयर का, और पेन तंबाकू एंड इंटॉक्सिकेंट का जो प्रतिशत है वो सबसे कम नजर आ रहा है। तो यहाँ इस चार्ट से हमें नजर आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा अगर कोई CPI को प्रभावित करता है तो वो क्या करता है, फूड एंड बेवरेजेस। अब जैसे अनियमित मौसम की वजह से कहने की जो सब्जी है फल फ्रूट है उनके दाम में बढ़ोतरी होगी, तो सीधी सी बात है कि जो CPI में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। दूसरा है कि दूसरे नंबर पे किसका आता है, तो सर्विसेज का आता है, और फिर है कि फिर उसके बाद आता है हाउसिंग का। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र थोड़े से इनका वेटेज भी कम है और ये कम प्रभावित करेंगे, लेकिन जो ये दो सेक्टर है फूड एंड बेवरेजेस और सर्विस सेक्टर जो CPI है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर कहीं ना कहीं जो CPI है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमको CPI को देखना है। अब हम देखते हैं IIP, ये IIP इंडेक्स हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग्स और
इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, तो इनमें सबसे ज्यादा अपन योगदान देख रहा होगा यहाँ पर किसका है, तो 80% के आसपास लगभग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, फिर माइनिंग का। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें किसको शामिल किया गया है, तो एक इंडस्ट्री गुड्स को शामिल किया गया है और यूज बेस्ड गुड्स। अब इसमें किन को शामिल किया गया है, तो बेसिक गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए और एक कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स दो हो गए, एक तो ड्यूरेबल गुड्स, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो इस तरह से जो सारणी को हमें बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि हर महीने जो IIP आता है तो उसमें दिखाया जाता है कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग के जो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई और किस स्तर का रहा, और कहीं ना कहीं जो मेंस में इससे प्रश्न बनते हैं, तो इस तरह से हमको देखना है कि इनमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अगर मान लीजिए गुड्स का जो प्रोडक्शन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं IIP भी बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैपिटल गुड्स है यहाँ पर शामिल किया गया, बेसिक गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इन सब का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब कोई डिमांड करेगा तो डिमांड करने के लिए क्या चाहिए, तो डिमांड करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे इनकम होनी चाहिए, इनकम के लिए क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं रोजगार होना चाहिए, और रोजगार होगा तभी कहीं ना कहीं इनकम होगी, और इनकम होगी तभी लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्शन होगा, यदि प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं जो इंडेक्स है वो भी ग्रोथ करेगा, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, अधिक सुविधा शुल्क कैशलेस इंडिया की राह में बाधा। तो अब हमें इस खबर को किस एंगल से देखना है, एक तो इकोनॉमिक लिहाज से देखना है, दूसरा ई गवर्नर से देखना है, दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित देखना है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या जो डिजिटल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है उसमें किस तरह से क्या चुनौतियां आ रही हैं उसको आगे बढ़ाने में। तो ऑनलाइन सेवाएं बढ़ी हैं कोरोना महामारी के समय, और आज उपभोक्ता बस, रेल, विमान टिकट की बुकिंग से लेकर खरीदारी, बैंकिंग सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का डिजिटल ताकत बनाने का लक्ष्य रखा है किसको, भारत को। और इस वर्ष की शुरुआत में मोदी ने लोगों से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। सेवा प्रदाताओं की ओर से जो वसूला जाने वाला अधिक सुविधा शुल्क कैशलेस इंडिया की राह में बड़ी बाधाएं, तो हमें देखना है कि इसकी राह में क्या चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान निकाला जा सकता है। दूसरा है 93% उपभोक्ता ने सरकारी ऑनलाइन सेवाओं पर लगने वाली सुविधा शुल्क को बंद करने की बात कही है, और 63% ने ऑनलाइन सेवाओं पर लिए जाने वाले सुविधा शुल्क की उच्चतम सीमा ₹50 तय करने की बात कही है। तो इस तरह से सबने अपनी अपनी राय कही है, तो हमें हमारे एग्जाम प्रस्पेक्टिव से देखना है कि डिजिटल इकोनॉमी बनाने में किस तरह से सेक्टर योगदान दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, और दूसरा है कि उसकी राह में क्या चुनौतियां होगी और किस तरह से हमें जो डिजिटल इकोनॉमी बनाना है $1 ट्रिलियन की, तो वो किस तरह से होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता का भारत प्रबल दावेदार, जयशंकर। तो हमें इस खबर को किस तरह से देखना है, क्योंकि GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध ग्लोबल ग्रुपिंग अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया। तो अब हमको यहाँ देखना है कि जो जयशंकर जी है जो UNC में दावेदारी के लिए क्या समर्थन दिए, क्योंकि मेंस में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जो तर्क है वो क्या है और इसके रास्ते में क्या चुनौतियां हैं। तो भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता बनने का प्रबल दावेदार है। सुरक्षा परिषद को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने के अपने उद्देश्यों की पूर्ति बल्कि प्रासंगिक बने रहने के लिए भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। तो ये तो हम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जब भारत की दावेदारी के पक्ष में तर्क देते हैं उससे पहले एक जो भूमिका है यानी जो इंट्रोडक्शन है वो बना सकते हैं कि इस तरह से हम भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि जो 21वीं सदी की भू राजनीतिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करती, कौन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये तो हमारी एक तरह से इंट्रोडक्शन यानी भूमिका हो सकती है। अब हमारा जो मेन प्रश्न आता है कि भारत की दावेदारी के लिए क्या समर्थन दे सकते हैं, तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3रा है परमाणु शक्ति संपन्न है, 4था है प्रौद्योगिकी हब व वैश्विक संपर्क की परंपरा वाले देश के रूप में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावेदार भी है। तो इस तरह से हम इसमें अपने जो समर्थन में जो पक्ष हैं वो दे सकते हैं। इसका विरोध कौन कर रहा है,
तो मेन है कि कहीं ना कहीं एनपीटी यानी जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेकर भी कहीं ना कहीं भारत पर आज मतलब साइन नहीं किए। दूसरा है कि चीन सबसे बड़ा अड़ंगा है कि कहता है कि कहीं ना कहीं जो एशिया की भू राजनीति की है उसमें कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि इसके बीच में जो जो बाधा है वो क्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है। अब बढ़ते हैं अभी हम आगे जो सऊदी अरब है उसके मैप का भी एनालिसिस करेंगे। पाक का एफएटीएफ से धोखे का खेल उजागर, तो आतंकी संगठन वो आतंकियों की फंडिंग की निगरानी के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची में ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे आजमाता रहा है। अब हमको इस खबर को कैसे देखना है कि पहले तो ये देखना है कि एफएटीएफ क्या है और दूसरा है कि हम पाकिस्तान क्यों, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और पाकिस्तान, और दूसरा है कि उसकी जो नीतियां होगी कहीं ना कहीं एक तरह से भारत को किस तरह से प्रभावित करती हैं। दूसरा है भारत जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है तो इससे उसकी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भारत कहीं ना कहीं उसे ब्लैक लिस्ट में भी डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादियों को कहीं ना कहीं जो शरण है जो उनको एक तरह से वित्त पोषण कर रहा है तो इसमें क्या पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, वो हर बार कहीं ना कहीं सीमा पार आतंकवाद जो भारत की समस्या है तो उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से सहयोग भी नहीं करता है, दूसरा है कि इनको फंडिंग करता है। तो इस तरह से हमको देखना है। अब हम देख लेते हैं कि जो एफएटीएफ क्या है, तो ये प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार। तो एफएटीएफ 1989 में स्थापित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ एक अंतर सरकारी नीति निर्माण निकाय है जो अवैध गतिविधियों जैसे धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग और व्यापक विनाश के हथियारों का विस्तार, इसको समाज को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान को निर्धारित करता है। एफएटीएफ के उद्देश्यों में धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली की निष्ठा के अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए प्रतिमान निर्धारित करना, कानूनी नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सदस्य देशों की मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग तकनीकों की समीक्षा करता है और नए जोखिमों जैसे कि आवासीय संपत्ति की एक्सचेंज आदि के समाधान के लिए निरंतर अपने प्रतिमानकों को सुदृढ़ करता है। एफएटीएफ की सिफारिशों के बाद भारत ने धन शोधन निवारण कानून 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अधिनियमित किया है जो 2005 से प्रभावी हुआ है, और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना। वर्तमान में 200 से अधिक देश जो क्षेत्र एफएटीएफ द्वारा जो निर्धारित सिफारिशों या प्रतिमानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से हमको हमारे मेंस से और प्रीलिम्स के प्रस्पेक्टिव से देखना है कि एफएटीएफ क्या है, भारत कब इसमें सदस्य बना, कितने सदस्य इसमें शामिल है, इसका कार्य क्या है और ये किस जो एफएटीएफ है उसमें किस कानून के तहत भारत की कौन सी एजेंसी काम करती है। तो इस तरह से इस खबर को देखना है। हैदराबाद को भारत में मिलाने को सेना ने शुरू किया ऑपरेशन, तो 1948 में आज ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली रियासत को आजाद रखना चाहते थे और 3 दिन में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। तो ये किस विषय से संबंधित है, GS1 मॉडर्न हिस्ट्री से। तो कहने की जो आजादी के बाद जो भारत का एकीकरण है और रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया है उससे संबंधित जोड़कर देखना है कि उसमें जो वल्लभ भाई पटेल जी की वो भूमिका क्या रहती है और उस समय क्या चुनौतियां थी और हैदराबाद क्यों उसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से आजाद रियासत रखना चाहता था। तो इस तरह से इस खबर को हमको देखना है ताकि हमारा रिविजन भी हो जाए। अब हमारा विश्लेषण तो यही समाप्त होता है। हम एक बार अब सऊदी अरब की मैप का एनालिसिस करते हैं और गूगल मैप को भी देखेंगे। तो ये सऊदी अरब के बारे में दे रखा है, ये सऊदी अरब की लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड में, तो ऐसे दिखाया हुआ है, ये सऊदी अरब की मैप को दिखाया हुआ है, उसकी कैपिटल क्या है तो रियाद है, उसकी मतलब लोकेशन दिखाई हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में उसकी लोकेशन क्या है, अक्षांश और देशांतर में दिखाई हुई है।
उसके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अरेबिक है। उसका एथनिक ग्रुप कौन से हैं, तो कहीं ना कहीं 90% अरब हैं। और उसमें रिलीजन की बात करें, नहीं धर्म की बात करें, तो उसमें 90% मतलब 93% इस्लाम रहते हैं। और उसमें कौन से, तो 85 से 90% कौन से रहते हैं, तो सुन्नी रहते हैं। और 10 से 15% सिया जो मुस्लिम है वो रहते हैं। फिर बहुत ही कम परसेंट में हिंदूस है, क्रिश्चियन है और बुद्ध है। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसकी गवर्नमेंट कैसी है, तो कहीं ना कहीं यूनिटरी इस्लामिक एब्सोल्यूट मोनार्की है। इसका किंग कौन है, तो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। क्राउन प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान। इसमें लेजिस्लेचर भी नहीं है, ये लिखा हुआ नॉन। और इसके जो टोटल एरिया दिखाए हुए हैं, पॉपुलेशन दिखाई हुए हैं, इससे हमें इसकी जीडीपी को भी दिखाए हुआ है, परचेसिंग पावर पेरिटी के अनुसार 2022 की एस्टीमेट, तो 2 ट्रिलियन के आसपास दिखाए हुए हैं 17 नंबर पर। उसके बाद पर कैपिटा इनकम को दिखाया हुआ है, किसमें, परचेसिंग पावर पेरिटी के अनुसार, यानी $55,400 दिखाए हुए 25 नंबर पर। फिर जीडीपी नॉमिनल, जिसमें कहने के 2022 की एस्टीमेट आंकड़े 1 ट्रिलियन के आसपास, 18वीं जो इसकी रैंक है पर कैपिटल $28,800 नॉमिनल के हिसाब से। इसकी गिनी इंडेक्स दिखाए हुए, जिसमें कहने की जो गिनी इंडेक्स भी बोलते हैं, गिनी रेशियो इज द मेजर ऑफ स्टेटिस्टिकल डिप्रेशन इज इंटेंटेड टू रिप्रेजेंट द इनकम इनइक्वलिटी और द वेल्थ इनइक्वलिटी विद इन अ नेशन और अ सोशल ग्रुप। तो गिनी जो इंडेक्स है उसमें इसकी जो रैंक है वो मीडियम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी वेरी हाई है, 0.875 और 35 इसकी रैंक दिखाई हुई है। इसकी करेंसी कौन सी है, तो सऊदी रियाल है, टाइम जोन और ये कॉलिंग कोड जैसे हमारा 91 है +91 है, तो इसका ये दिखाया हुआ है। अब हम इसके मैप को देखते हैं, तो ये सऊदी अरब यानी मिडल ईस्ट में पड़ता है और पश्चिमी एशिया में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से होकर गुजर रही है। इसके कहीं ना कहीं जो दक्षिण पश्चिम में रेड सागर आ गया, दक्षिण में कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ एडान या यमन बोल सकते हैं, इधर पूर्व साइड अरब सी और ओमान आ गया, इधर उत्तर की साइड यानी कहीं ना कहीं जो उत्तर पूर्व में जो ये पारस की खाड़ी। अब हम इसके जो सऊदी अरब है उसी को देखते हैं हम, तो ये यमन हो गया, ये ओमान हो गया, ये सऊदी अरब। पहले हम देख लेते कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो यमन से, ओमान से, यूएई से, कतर से और यहाँ पर बहरीन अवस्थित हो गया, जिससे कहीं ना कहीं बहरीन जिससे समुद्र सीमा साझा करता है, इधर कुवैत हो गया, इधर से इराक हो गया, इधर से जॉर्डन हो गया। इसकी क्या इसराइल से सीमा लगती है, तो नहीं लगती। मिस्र से लगती है, तो नहीं लगती है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इसकी राजधानी अवस्थित हो गई, ये मदीना, जत्ता, मक्का। और इसमें से कौन से डेजर्ट है, तो ये अन्नपुत डेजर्ट, ये रूप अल खाली डेजर्ट जिसमें अवस्थित हो गया है। और इसकी जो इकोनॉमी है वो ऑयल एंड पेट्रोलियम पर अवस्थित है एक तरह से। और सबसे कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो ये सऊदी अरब। अब हमें भारत से अगर सऊदी अरब जाना है तो हम कौन सा रूट पकड़ेंगे, तो ये अरब सागर से होते हुए और बाप अलमंडा की जो स्टेट है उससे होते हुए कहीं ना कहीं पारस की खाड़ी से होते हुए ये कतर, ये बहरीन, ये यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ से होते हुए कहीं ना कहीं इसकी राजधानी रियाद पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दिखा हुआ कि ये यमन, ये साना, ये सोकोट्रा द्वीप, ये ओमान हो गया जिसकी राजधानी मस्कट हो गई है, ये कुवैत। तो यह मैप में दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो यहाँ एक तरह से जो पूरा जो क्षेत्र है ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र आता है एक तरह से, ये थार डेजर्ट जैसे भारत में दिखाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो इकोनॉमी वो ऑयल एंड पेट्रोलियम पर अवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है एक तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र है, इससे यहाँ कृषि मतलब अल्प मात्र होती है बिल्कुल ही। ये कुवैत, ये इराक, ये जॉर्डन, इसकी सीमा कौन से अंतर्राष्ट्रीय देशों से लग रही है। और ये कहीं ना कहीं मदीना, ये जेदा, ये मक्का। तो इस तरह से हमको इसको गूगल मैप को देखना है। तो हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।